सो हे एवरीवन, इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग जो है स्टेशन पहुंच गए हैं। सो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे का सफ़र। सो ये हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं, फिर यहाँ पर हम लोग अंदर जा रहे हैं। सो आप लोग भी देखते जाइए। सहर्ष के मामा जी सहर्ष को प्यार बहुत करते हैं। देखिए यहाँ पर भी नहीं छोड़ रहे हैं, घर में भी नहीं छोड़ता था, बहुत तंग करता था और बहुत खिलाता भी था। तो हे एवरीवन, ट्रेन में बैठने के बाद हम लोगों ने पी चाय, उसके बाद जो है हम लोगों का डिनर का टाइम हो गया। 9:00 या 9:30 हो गया था। तो हम ना ये घर से मम्मी ने, अंजलि ने बना के रखा था आलू की सब्जी, फ्राई चावल थे, पूड़ी थी, अचार वचार था, यही सब था। तो बढ़िया मस्त खाना खाया। ये हम लोग नीचे खा रहे हैं, ये लोग ऊपर में खा रहे हैं। सो ये दो बर्थ हमारी यहाँ पर थी और एक बर्थ जो थी वो साइड में थी, तो ये वहाँ पे चले गए थे। बाकी हम बच्चे लोग यहाँ पे एडजस्ट हो गए थे सब। छोटा वाला मेरे साथ सो जाता है और बड़ा वाला जो है वो ऊपर में हो गया। तो मस्त मैथी की पूरी थी, देखिए इतना मतलब अच्छा लग रहा है देख के। तो बस हम लोगों ने ट्रेन में ये खाना खा के और थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए थे। सो ये यहाँ पर हम लोग फटाफट खा लेते हैं उसके बाद। डिनर करने के बाद, बेड वेड सेट करने के बाद हम लोगों ने इन्जॉय करी अपनी मूंगफली जो कि घर से ही भूज कर लेके आए थे। तो ये खाने के बाद बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो वही हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा खा के फिर हम लोग सो जाएंगे। सहज, नीना गले क्या पी रहे? आपका पिलो कहाँ है? चल ना करो। सो हे गाइस, अब हम लोग सो रहे हैं और ये जो बड़ा वाला बेटा है, जो बड़ा वाला है वो यहाँ पे आ गया है। और उसके जो पापा हैं
वो बाजू साइड वाले केबिन में है उनका। तो हमारी तीन थी, तो इसमें से दो यहाँ है, और ये हमारा रहा सेपरेट केबिन। सो वो जो है वो बाजू के रूम में चले गए हैं। हम लोग खाना पीना हो चुका है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11। सो 11 बज गया है, बस मैं अब लेट चुकी हूँ और ये तो पता नहीं सो नहीं रहा, पता नहीं क्या करने वाला है ये। सो गाइस मैं तो अब सो रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत हो गया है। सो अब लेटूंगी और चलिए फिर मिलती हूँ आपको मॉर्निंग में। सो गुड नाइट बोलो सर। बाय बाय, गुड नाइट। सो गुड नाइट गाइस, मिलती हूँ आपको सुबह, बाय। गाइस अभी गुड नाइट कहाँ हुई है, ये लोग तो फिर से खेलने लगे। वो भी ऊपर से आ गया और ये दोनों विंडो के बाहर पता नहीं क्या झांक रहे हैं, भगवान ही जाने। तो ये लोग तो ना सोते हैं ना सोने दे रहे हैं, तो अपना ही कुछ कुछ लगे हुए हैं। तो देखिए आप लोग भी। एवरीवन गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 8 बज रहा है और ये हम लोग उठ गए हैं सो के। ट्रेन थोड़ा लेट है आज, और रात में भी जब हम लोग बैठे थे तो तब भी बहुत लेट थी ट्रेन, लेट ही आई है मतलब। तो अभी भी हम लोग को पहुंचने में भी टाइम लगेगा। हमारी ट्रेन 11 बजे तक ही पहुंचेगी। वैसे हमारी ट्रेन जो हम बैठे हैं समता में बैठे हैं, समता पहुंच जाती है रायपुर सुबह 7:30 बजे तक, लेकिन अब ट्रेन लेट है करके अब 11 बजे तक ही पहुंचेगी। अभी ठंड के कारण और कहीं कहीं लाइनों में जो काम वाम चलता रहता है उसके कारण ना लेट हो रही है सारी ट्रेन, तो बस वही है। और ये उड़ गया है छोटा वाला, अभी सो रहा है। तो ये अभी सो रहा है और मैं जा रही हूँ ब्रश करने। सो ये देखिएगा अपने छोटे भाई को मैं ब्रश करने जा रही हूँ, और उसके पापा तो बाजू वाले उसमें केबिन में है ना, तो हो गया मैं आती हूँ जब तक फ्रेश व्रेश होके। गाइस तैयार हो गई हूँ, ब्रश हो गया है, मुंह धो ली हूँ। सो गाइस अभी ब्रश व्रश करके आ गए हैं, अब बस चाय ले लिए हैं। और आप देख सकते हैं चाय मैंने वहाँ पे रखी हुई है, आपको एकदम से नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अभी चाय ले लिया, सब हम चाय पियेंगे और थोड़ी देर में पहुँचेगी। अभी थोड़ी देर क्या, अभी तो 11 बजे पहुँचेगी, अभी तो टाइम भी 8:30 का ही हो रहा है। सो अभी छोटा वाला मेरा जो बच्चा है वो भी निन्ना कर रहा है, वो खराते मार रहे हैं। सो गाइस फिर अभी यहाँ पर ज़्यादा ठंड, तो ठंड क्या अंदर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है सब कुछ। सो ये भी उठ गए हैं, ब्रश करने गए हैं, और मैं चाय भी लेती हूँ, नहीं तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है बिना चाय के मेरे। तो बस मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे आगे में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।
सामने जा रही है ट्रेन और हमने ली गर्मा गर्म एकदम बढ़िया वाली कॉफ़ी। तो देखिए ट्रेन जा रही है, अभी हमारी ट्रेन पहुँचेगी 11:30 बजे तक। लेट है ट्रेन, अभी टाइम हो रहा है 11 बजने वाला है, आधे घंटे में हमारी जो ट्रेन है वो पहुँचेगी। वो इनकी कॉफ़ी रखी हुई है, सारा सामान पैक ही है, बस सब हम लोगों ने ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करके रख दिया है, सारा सामान पैक हो चुका है, बस हमको बाहर निकलना ही है 30 मिनट बाद। देखते हैं आगे, मिलते हैं फिर आपसे। तकरीबन सारा सामान चला गया है बाहर और हमारा जो अब टाइम हो गया है पहुंचने का, लेट और लेट हो गई थी गाइस, ट्रेन 12:00 हो गया है। सो अब बस बच्चे लोग बाहर निकल गए हैं, सारा सामान भी बाहर चला गया है, सो बस वेट कर रहे हैं रुकने का। सो अभी और 5 मिनट और लगेगा अभी, सो बस फिर निकलते हैं, आपको दिखाते हैं बाहर। ये देखिए गाइस, पता नहीं ये है, ये था हमारा केबिन। सो बस अब देखते हैं थोड़ी देर में पहुंचेगी। ये लोग बाहर चले गए हैं, सो मैं अपना पर्स ले लेती हूँ। फिर अभी ट्रेन चल रही है गाइस, लेकिन सो मैंने स्वेटर वेयर कर लिया है क्योंकि हो सकता है बाहर में अभी ठंड वंड हो थोड़ा बहुत, बाकी हमारे रायपुर में ठंड है नहीं है, यहाँ पर ठंड नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने लेकिन पहन लिया है, तो देखेंगे फिर गाड़ी में पहुँच के। गाड़ी में बैठ गए हैं और बहुत गर्मी है गाइस, स्वेटर निकालना पड़ेगा, ट्रेन में पहन लिए थे आते आते कि बाहर ठंड लगेगी। पूरा सारा सामान जो है सेट हो गया है, अब बस कहीं दीदी के घर जा नहीं रहे हैं, यहीं पे कुछ खा के हम लोग घर के लिए निकलेंगे हमारे, बस चलते हैं।
है। हम अपने घर पहुंच गए हैं और ये देख लीजिए हमारा रूम। सब हम घर पहुंच गए हैं और बहुत थक गए हैं, नींद भी आ रही है। तो अब खाना तो खा के ही आए हैं, तो अब सो जाएंगे। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, वही बार बार बोल रही हूँ, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं, सो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग।